फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस चैप्टर पे थे? चैप्टर नंबर 9th, पैटर्न। अब इस चैप्टर में हमें क्या हुआ था, काफ़ी कंफ्यूजन आ रही थी क्योंकि ये जो चैप्टर है पैटर्न, ठीक है, ये इसमें काफ़ी फिगर्स वगैरह है, तो हम ये एक बार 9 चैप्टर स्किप करेंगे, ठीक है। तो अब कौन सा चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं? पैटर्न तो हमारा हो गया था, 9th चैप्टर है स्टूडेंट्स डाटा, ठीक है। 8th चैप्टर था पैटर्न, 9th है डाटा। 9th चैप्टर जो डाटा है इसे हम एक बार स्किप कर रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं स्टूडेंट्स 10th चैप्टर करेंसी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स देखिए, करेंसी क्या होती है? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम यूज़ करते हैं किसी भी गुड्स को ख़रीदने या फिर बेचने में, बाय और सेलिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया की करेंसी क्या है स्टूडेंट्स? रुपीज़ है, ठीक है। और इसी तरह से जो बाहर जैसे अमेरिका वगैरह की करेंसी, वो क्या है? डॉलर्स। तो करेंसी सिंपली आप इतना समझिए कि करेंसी क्या है, एक ऐसी थिंग मान सकते हैं हम उसे, ठीक है, जिसे हम किस में यूज़ करते हैं? सेलिंग करने के लिए गुड्स को और बाय करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हर जगह करेंसी ही यूज़ होती है। अगर देखो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे हमारे पास करेंसी नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि हम गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज कर लेते थे, कि जैसे स्टूडेंट्स मुझे वीट चाहिए तो मैं दूसरे पीपल को वीट दे दूंगी और उनसे उनका जो राइस है वो परचेज कर लूँगी। तो ये क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स हम क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। बट धीरे धीरे जो ये गुड्स के बदले गुड्स वाला जो सिस्टम है, ये क्या हो गया था, एलिमिनेट हो गया था, क्योंकि पीपल्स को हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इस सिस्टम में। क्योंकि कई बार होता था कि जो सामने वाले पीपल है या फिर पर्सन है, उसे कुछ और चाहिए होता था और हमारे पास कुछ था नहीं उसे देने के लिए और उनसे क्या लेने के लिए, वोट करने के लिए कोई गुड या फिर आइटम। इसलिए इस सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया और करेंसी का इंट्रोडक्शन किया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट्स, करेंसी एमर्ज्ड हो गई और इंडियन करेंसी क्या बन गई, रुपीज़। अब रुपीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। रुपीज़ को हम हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, इंग्लिश में RS इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट जो इंग्लिश है वो होगी रुपी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से है। कल हम चैप्टर नंबर 10th की एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट करवा रही थी कि करेंसी क्या होती है, ठीक है, और करेंसी इशू कौन करते हैं स्टूडेंट्स। हमें अगर पैसे चाहिए फ़िलहाल तो हम बैंक्स में जाते हैं, वो हमें करेंसी देती है। और सबसे बड़ी ब्रांच है जो करेंसी इशू करती है, वो है हमारी RBI। RBI क्या है स्टूडेंट्स, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रियल करेंसी क्या कर देती है, इशू करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। साथ साथ आप पढ़ते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके, और अगर आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम्स तक आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा मैथ्स का सिलेबस काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम 10th चैप्टर पर आ गए हैं। अगर आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो क्या होगा, आपका भी साथ में ही क्लियर होता जाएगा, बाद में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्दी।